कार्डन मेथड। आज हम कार्डन मेथड की सहायता से किसी क्यूबिक की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो कार्डन मेथड के लिए सबसे पहले तो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। कार्डन मेथड से अगर हमको सॉल्व करना है तो इस मेथड पे होना, इस फॉर्मेट में होना चाहिए इक्वेशन। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन तो हमारा, जैसे कि हम जानते हैं कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में होता है। तो हमको सबसे पहले इस फॉर्मेट में चेंज करना होगा इक्वेशन को, फिर हम मतलब कि फिर हम कार्डन मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई इक्वेशन अगर दिया है हमारे पास 9x³ + 6x² - 1 = 0, अगर हमको इसको कार्डन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर है और एक्स वाला टर्म भी नहीं है, तो अभी हम कैसे करेंगे, है ना। तो हम इसमें एक्स की जगह 1/x या फिर 1/y रख के इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें एक्स इक्वल टू हम रखें 1/y, तो 9 1/y³ + 6 1/y² - 1 = 0, तो जाएगा 9y³ + 6/y² - 1 = 0, है ना। तो भी 9 + यहाँ हो जाएगा 6y और यहाँ पर -y³ = 0, हो गया ना हमारा। यहाँ पर y³ + 6y + 9 = 0, तो यहाँ पर हो गया y³ - 6y - 9 = 0, हमारा हो गया ना कॉर्डन के फॉर्म में। क्यूब भी है, स्क्वायर भी नहीं है और y वाला पे टर्म भी है। तो अब हम इसमें कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर मानते हैं y = t^1/3 + q^1/3 है। अब इसमें हम क्यूब का पावर लगाएंगे तो y³ = p^1/3 + q^1/3³। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y³ = यहाँ पर क्यूब हो जाएगा p + q + 3 p^1/3 q^1/3 + q^1/3, है ना। y³ = p + q + 3 p^1/3 q^1/3, यहाँ इसको हम ऑलरेडी y मान चुके हैं, है ना। तो इसकी जगह y रख सकते हैं ना। अब इसको हम इस साइड ला लेते हैं तो y³ - 3p^1/3 q^1/3 y - p + q = 0। अब हम इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3p^1/3 q^1/3 = कितना आएगा यहाँ पर 6 एंड p + q = कितना आएगा 9। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं p^1/3 q^1/3 = कितना आएगा 2। तो यहाँ पर हम p और pq = कितना आएगा 8, है ना। और यहाँ पर कितना है p + q = 9। अब हमको इसमें से p और q का वैल्यू निकालना है, है ना। तो जैसे कि हमारा है pq = 8 और p + q = 9, तो इसमें से हमको p और q का वैल्यू निकालना है। तो हम इस मेथड से निकाल सकते हैं, जैसे कि p - q² = p + q²
माइनस फोर पी क्यू, इसमें हम रख के पी और क्यू को वैल्यू निकाल लेंगे, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ नाइन का स्क्वायर माइनस फोर पी क्यू की जगह एट, तो पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 32 है ना। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, तो पी माइनस क्यू कितना होगा 7। अब हमारे पास पी प्लस क्यू है पी माइनस क्यू है ना, अब इसमें से हम एक बार प्लस करें दोनों को तो कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू इक्वल टू 9 एंड पी माइनस क्यू इक्वल टू 7। अब एक बार हम प्लस कर दें इसको तो हो जाएगा हमारे पास टी टू पी इक्वल टू 16 है ना, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। और एक बार माइनस कर दें पी प्लस क्यू इक्वल टू 9 एंड पी माइनस क्यू इक्वल टू 7, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस कर दें अगर हम तो ये प्लस हो जाएगा एक कर जाएगा तो 2q इक्वल टू 7 2, तो q इक्वल टू कितना जाएगा 1। तो हमारा p और q का वैल्यू निकल गया, तो हमारे पास क्या था p टू पावर 1/3 इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर q टू पावर 1/3 इक्वल टू कितना आएगा 1। तो हम जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब हम इसमें पी टू 1/3 को हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, और क्यू टू पावर 1/3 इक्वल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो अब ओवरऑल हमारा इस इक्वेशन का क्यूब रूट निकलेगा इस प्रकार 2 प्लस 1 3, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ जोड़ते हैं, फर्स्ट वाले ओमेगा को दूसरे वाले ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड वैसे सेकेंड वाले का ओमेगा पहले वाले ओमेगा के स्क्वायर के साथ ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर है ना। तो ये हमारा हो गया इस इक्वेशन का क्यूब रूट। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या होता है ओमेगा का वैल्यू 1/2 माइनस 1 प्लस आई रूट 3, और ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू होता है 1/2 माइनस 1, यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है आई रूट 3, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और यही हमारा इस इक्वेशन का क्यूब रूट है। धन्यवाद।